चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बियर ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक पहले दो कारों से टकराया, उसके बाद अनियंत्रित हो गया और सड़क पर पलट गया। इतना ही नहीं, टक्कर लगने के बाद एक कार भी सड़क पर पलट गई। दरअसल हुआ यूं कि बियर से भरा एक ट्रक पानीपत से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही ट्रक गंबर पुल के पास पहुंचा तो ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण ट्रक के ब्रेक काम नहीं कर पा रहे थे और ट्रक अनियंत्रित होकर अपने से आगे जा रही कारों को टक्कर मारने के बाद बीच सड़क पर पलट गया। घटना की सूचना मिली तो 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट पहुंचाया गया। घटना स्थल पर काफी देर तक लंबा जाम देखने को मिला। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम भी मौके पर पहुंची। जहां ये घटना घटी वो क्षेत्र पुलिस थाना रामशहर के अंतर्गत पड़ता है। इस घटना की सूचना पुलिस थाना रामशहर को भी दी गई। जब तक पुलिस थाना रामशहर से पुलिस मौके पर पहुंचती, तब तक स्वारघाट पुलिस की टीम यातायात जाम को बहाल करवाने में लगी रही। घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। आगामी जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।